अगेन टू अ न्यू वीडियो ऑफ लाडिकार एक्सेसरीज। मेरा नाम है गिन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आज एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको ये बात बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी कि अगर आपको आपकी कार से प्यार है तो कार कोई मैटर नहीं करती है। अगर आप अपनी कार से एक मतलब एक लगाव होता है और एक दिल से तैयार कराना चाहते हो ना, तो मेरे ख्याल पैसे भी वो चीज़ मैटर उस केस में नहीं करते हैं और आपकी जो हमारी भी जो एक काम करने की एक जो खुशी होती है ना, वो उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। वैगन आर की वीडियो दिखाऊंगा, जितनी इंटरेस्टिंग हमने इसमें काम करा है उतने ही इंटरेस्टिंग जिनकी कार है वो पर्सन है, बिकॉज तकरीबन 20 से 25 दिन से उनसे हमारी बात हो रही थी और इतने वो खुश कि उनको अपनी कार में ये कराना है, वो कराना है, हाइड्रो डिप कराना है, कैसे होगा। हमारे पास आने के बाद कितनी चीज़ें और ऐड ऑन हो गई, बट जो उनका एक टेस्ट था अपनी कार को लेके कि मैंने किस तरीके से उसको रेडी कराना है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। काफ़ी सारा काम तो हमने इस कार में किया, बट बहुत सारा काम ऑलरेडी उन्होंने शोरूम से भी करा लिया था, लाइक बॉडी किट्स उन्होंने लगवा ली थी शोरूम से, अलॉय व्हील्स उन्होंने शोरूम से लगवा ली थी। बट जब बात आती है म्यूजिक सिस्टम को लेके या फिर बात आती है कि हम उसको कैसे और प्रीमियम कर सकते हैं इंटीरियर को, तो वहाँ पर हमारा नाम शायद आ जाता है। तो वही काम हमने इस कार के अंदर किया है। अर्टिगा की वीडियोज़ आपने हमारी देखी हैं, क्रेटा की देखी हैं, बट इस बार वैगनर की वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। बट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो हमारा खुद का टेस्ट, वो सब कुछ वही है प्रोडक्ट्स को चूज़ करने में भी और अप्लाई करने में भी। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को इसके फ्रंट से। 110 वॉट्स की एलईडी इस कार के अंदर हमने लगाई हुई है, प्लग एंड प्ले जो होती हैं, जिससे आपकी जो पुराने होल्डर्स हैं उसके साथ बस इसका एक क्लिप ऑन कर देना हमने और कुछ भी नहीं करना, उससे उसकी वायरिंग पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ब्लास्टर आपकी लाइट को 3 times बढ़ा देता है, एक छोटा सा सिंपल सी बात है। नाइट ड्राइविंग अगर आपकी रहती है तो आप ये लगा सकते हो और एक अच्छा व्यू पा सकते हो रात को। अब हेडलाइट के अलावा क्या, फॉग लैम्प्स में हमने जो फॉग लैम्प्स लगाए हैं, ड्यूल कलर फॉग लैम्प्स लगाए हैं, बट इस कार के अंदर हमने लेज़र प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं। इसके अंदर कोई फॉग लैम्प्स को लेके वायरिंग आती नहीं है, तो हम लोगों ने लेज़र प्रोजेक्टर लगाए हैं जो बिल्कुल सीधा फोकस देते हैं। ये भी एक किस्म के प्लग एंड प्ले वाले ही होते हैं, सिर्फ एक वायरिंग ऐड ऑन करो, उसके लिए अलग से स्विच लगाओ, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उस तरीके से इसको हमने फिट किया हुआ है और बहुत अच्छा थ्रो निकल गया था। मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है। प्रोजेक्टर्स के जो कवर्स हैं नॉर्मल डल ब्लैक कलर के आते हैं, तो उसको हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है, प्लस साथ में थीम रेडी की है कि हमने इसके हेडलाइट्स के ऊपर भी एक जो ब्लैक पियानो ब्लैक कलर की किट आती है, जो हमने सेट ऑफ 5 pieces की वो अप्लाई की हुई है इस कार के अंदर, हमने हेडलाइट्स पे, टेल लाइट्स पे, साइड मिरर्स पे, और उसके बाद एक पेट्रोल टैंक का कवर है वो आता है। तो एक जो जैसे स्कर्टिंग इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो उसके साथ और क्या हम ऐसी चीज लगाएंगे वो एनहांस हो जाए, उसमें हमारी ब्लैक ड्यूटी किट है जो हमने हेडलाइट्स पे लगाई है, और साथ में मॉडिफिकेशन के लिए फॉग लैम्प के कवर्स को हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है। अगर मैं आपको साइड प्रोफाइल पे लेकर आता हूं कार की, तो सबसे पहले तो आप इसकी साइड प्रोफाइल देख लो कि कितनी जबरदस्त लग रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टायर क्लाइडिंग जो सर ने लगवाई है, जो बॉडी कलर बीडिंग सर ने लगाई हुई है, ये मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो ये चीज एक अच्छी है, एक ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है, उसकी फिटमेंट, उसकी लाइफ वो बहुत जबरदस्त होती है, आप उसको लगा सकते हो। एक ऐसी चीज जो मैंने पहली बार लगाई है, हम अर्टिगा में बहुत बार लगाते हैं लेकिन वैगरा में फर्स्ट टाइम
बड़ी दिलेरी थी सर की, सर ने लगवाई और बहुत अच्छी चीज यहाँ निकल के भी आ रही है। गो फॉर कैरियर लग्जरी के मामले में, यूटिलिटी के मामले में इससे सुपीरियर, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि कोई एक ऐसी चीज लग जाए जो आप बरतने में आपको लाइफ लॉन्ग आपका साथ दे, आपकी कार में, जब अपनी कार से प्यार करते हो तो सब कुछ उस पर लगाने का आपका दिल करता है। गो फॉर कैरियर हमने इस कार के अंदर लगाया हुआ है। बॉडी कलर कैरियर जबरदस्त एक चीज, अ मस्ट एड ऑन एक्सेसरीज। अगर आप मेरी तरफ से पूछोगे रिकमेंडेशन तो 100% इसको रहती है। सिर्फ नॉर्मल एक डोर वाइजर्स, पियानो ब्लैक किट के अंदर हमारे हैंडल्स, और उसके बाद साइड मिरर्स जो आपकी एक कार की लुक को बढ़ा रहे हैं, वो भी एक बहुत जबरदस्त फील यहां पे निकल के आती है। इसके अलावा जो हमने साइड में एक चीज और ऐड की हुई है, जो साइड की एक चीज हमें लग रही थी, हमने सिर्फ रख के देखी और हमारे को पसंद आ गई, सेम सर को भी पसंद आ गई, उन्होंने बोला यार लगा दो। तो ये साइड वेंट्स है जो आपकी ऑफ रोड वाले, जो इसका एक पैटर्न है ऑटोग्राफिक्स कंपनी के आते हैं, तो उसके हमने लगाए हुए हैं। तो एक साइड की जो प्रोफाइल को और एक अच्छा कर रही है और प्रीमियम कर रही है, तो ये एक चीज निकल के आ रही है। मतलब मैं वीडियो बनाते समय भी खुश हूँ, काम करते समय भी खुश था, मतलब वर्ड्स भी नहीं है बोलने के लिए। अगर इंटीरियर में लेकर आऊं तो माउथ वाटरिंग इंटीरियर हमने इस कार के अंदर किया हुआ है। LXi मॉडल CNG वाला है, इसके अंदर पावर में टू डोर आती थी, तो इसके अंदर फोर डोर पावर विंडोज लगी है। ना सिर्फ फोर डोर पावर विंडोज लगी है, हमने इसके पावर विंडोज के जो पैनल है उसको कार्बन फाइबर किया हुआ है आपके इंटीरियर को और सुंदर बनाने के लिए। इनर सिल्वर हैंडल्स हमने लगाए हुए हैं, ये नॉर्मल ब्लैक कलर के आते थे। अब अपनी कार को खोलो, आपको एक अच्छी फील मिले, तो उसके लिए छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हम उसमें काम करें तो वो आपको एक अच्छा, मतलब कार में तो बैठना बंदे का कैसे तो दूसरा घर होता है। अगर वो इंटीरियर अच्छा है तो आपको खुशी मिल जाएगी। अगर सबका अपना अपना टेस्ट है, मेरा ऐसा था तो मैंने कर दिया। सिर्फ पियानो ये कार्बन फाइबर किट से बात खत्म नहीं होती है। अगर इसके बाद बात करता हूं, अपनी कार में बैठे हो आप, ये स्टीयरिंग ऐसा है, हमने इसमें हमारे पास अवेलेबल होता है, हम स्टीयरिंग कंट्रोल्स वाला स्टीयरिंग भी लगा सकते थे, बट हमने इसी स्टीयरिंग को कस्टम करके कार्बन फाइबर, ड्यूल कार्बन फाइबर वाला स्टीयरिंग इसके अंदर हमने मॉडिफाई किया हुआ है। सर ने तकरीबन 2 दिन वेट करी कि सिर्फ ये स्टीयरिंग उनको चाहिए था, और उसकी वजह से 2 दिन लग गए और सर ने वेट करी। हैट्स ऑफ टू द सर ऑल्सो, जिनकी ये कार है, एंड में उनका भी रिव्यू जरूर लेंगे। तो अप एंड डाउन टू वे कार्बन हमने इसको किया हुआ है। जब आप अपनी कार में बैठते हो तो सिर्फ एक ये स्टीयरिंग को पकड़ के आपकी जो एक फील है ना, तो वो आपकी पूरी चेंज हो जाती है। मीटर हुक्स को हमने पियानो ब्लैक किया हुआ है, सिर्फ एक जब आप लाइट्स ऑन करते हो तो जो उसकी ग्लो एक निकल के आता है, तो वो भी एक रिमार्केबल है। लॉक के पैनल्स को, जो में हमने अप और डाउन दो पीसेस में लॉक के पैनल्स आते हैं, हमने इसको भी पियानो ब्लैक कलर का किया हुआ है, सिर्फ एक प्रीमियम उसको एक लुक देने के लिए, एक प्रीमियम उसको फील देने के लिए। 70 फ्लोर मैट्स डाले हुए हैं, सीट कवर्स लगाए हैं हमने फुल बकेट फिट वाले, डिजाइन आपके जो इंटीरियर से मैच करता है बिल्कुल सेम। सीट कवर का डिजाइन कैसा लगा हमारे को जरूर यहां पे बताना। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं इंटीरियर में, स्टीरियो का जो हमारा पैनल है उसको भी हमने कार्बन फाइबर लुक दी हुई है। जो हमारे नीचे ये गियर के पैनल्स होते हैं और साथ में हमारी जो गियर नॉब होती है, उसको भी हमने एक सिर्फ एक प्रीमियम फील लेने के लिए हमने उसको कार्बन फाइबर दिया। वो पूरी कार की एक थीम रेडी की हुई है कि किस तरीके से हम एक कार को मॉडिफाई करते हैं और क्या उसका रिजल्ट निकल के आता है, तो वो यहाँ पर हमारी एक चीज बनती है। सारी बात होगी मॉडिफिकेशन की, किस तरीके से हमने की हुई है, म्यूजिक सिस्टम पीछे कैसे रह सकते हैं, जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा ही देंगे। ब्लॉपंग का की लार्गो 972 GB रैम वाला हमने इस कार के अंदर लगाया। चारों डोर्स को 3 लेयर डैम किया हुआ है, 3 लेयर का मतलब इनर साइड ऑफ द डोर, आउटर साइड ऑफ द डोर, और तीसरी लेयर जो हमारे डोर पैनल के ऊपर लगती है। चारों डोर्स को हमने 3 लेयर डैम किया हुआ है। स्टैक के चारों कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं, चारों ट्यूटर्स को हमने पैनल्स पे ही कट करके लगाया हुआ है, सो दैट हमारे को मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे मिल सके हमारे स्पीकरों में से। जो म्यूजिक को लेकर सर का टेस्ट था वो बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमने म्यूजिक में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी हुई। मतलब 1-2% फालतू ही लगाया हुआ, 1-2% ज्यादा ही लगाया हुआ, कमी किसी चीज में नहीं छोड़ी हुई है, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। बिकॉज वैगनआर एक ऐसी कार है, मेरे पास भी मेरी पहली कार वैगनआर थी, तो मैं चाहता था, बड़ी यादें मेरी भी हैं, तो मैं भी चाहता था कि अच्छी से अच्छी तैयार हो सके। सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पैसों की कोई बात ही नहीं है, एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्रीमियम वे में हमने इस कार में लगाई हुई है। प्रोडक्ट जो चूज किया वो भी बहुत प्रीमियम है। आपको कैसे लगे हमारे को जरूर बताना, इसके बाद एक बार सर से रिव्यू लेंगे। आपने कार देखी, कार में हुआ काम देखा, कितने अच्छे तरीके से हमने किया वो करा, सब टाइम
कि जिनकी कार एक बार उनसे मिल लेते हैं और एक बार एक छोटा सा रिव्यू कि सर को काम कैसा लगा और हमसे काम कराया वो भी कैसा लगा। तो सर पहले अपना नाम बताओ प्लीज और जो आपको एक्चुअल में कैसा लगा ये भी जरूर बताओ। माय नेम इज पारस, आई एम वर्किंग एट एयरपोर्ट। मुझे गाड़ी को मतलब बहुत शौक है कि मेंटेन करके रखूँ। इससे पहले मेरे पास आई10 थी, देन आई मूव टू CNG टू सेव द फ्यूल एफिशिएंसी। बट वैगन आर को लेके जो मेरी परसेप्शन थी वो थैंक्स टू गिनी भाई जिन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया। इट्स अमेजिंग, नो डाउट। आई बीन मैनी वे, मतलब आई बीन टू करोल बाग, मैं करोल बाग भी गया, मैंने पूरी मार्केट सर्च करी। जो सेटिस्फेक्शन जब मेरी इनसे एक महीना पहले या 20-25 दिन पहले मेरी इनसे बात हुई, जैसे इन्होंने बताया, ही क्लियर माई ऑल डाउट एंड आई आस्क फॉर द गो फॉर कार कैरियर के लिए। मैंने इनको कॉल किया था, मैंने कहा मैंने बॉम्बे में देखा है बट दिल्ली में आई थिंक शायद आप ही हो जो प्रोवाइड करवा पाते हो वेल ऑन टाइम। सो इन्होंने ही क्लियर माई ऑल डाउट, कहते सर गो फॉर कैरियर छोड़ो, आपको इससे भी अच्छा एक एक चीज़ एड ऑन करेंगे। सो आई एम वेरी ग्लैड मैं गिनी भाई के पास आया, ही क्लियर माई ऑल डाउट। मैंने इनको एक दिन का टाइम दिया, ही आस्क फॉर टू डेज, उन्होंने कहा मुझे आप 2 दिन दो, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप मांग रहे हो उससे मैं डबल करके दूंगा। एंड ही प्रूव्ड इट, हैट्स ऑफ टू हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आई एम रियली ग्लैड, मैं आई कैन अश्योर यू अगर आप मेरी गाड़ी कर रहे हो आपके पास 10 गाड़ी हो रहेगी। एंड गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।